मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको ग्रीप यंग फर्स्ट सेमेस्टर में पोषण के बारे में आज मैं बताऊंगी आपको कि पोषण क्या है, पोषण की क्या स्थितियाँ हैं। देखिए, पोषण जो आप पोषक तत्वों के बारे में अगले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आज मैं पोषण के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, पोषण है क्या? देखिए, पोषण और पोषण की स्थितियाँ, पोषण की दो प्रकार की दो स्थितियाँ होती हैं। पहला फर्स्ट है आपका, ये पोषण की दो प्रकार की स्थितियाँ होती है। पहला है सुपोषण, सुपोषण, और दूसरा है आपका कुपोषण, कुपोषण। ये दो प्रकार की स्थितियाँ हैं। जैसा कि इसको मैं इसको हटा दूँ तब आपको समझ में आएगा, इसको हटा दूँ। देखिए, ये पोषण की दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, दो स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि आपका सुपोषण और कुपोषण। अब सुपोषण और कुपोषण क्या है, आपको इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। देखिए, जो हम पौष्टिक तत्वों को, जैसे पोषक तत्वों को लेते हैं, उसको हम सुपोषण कहते हैं। जो अपने आहार में, अपने भोजन के रूप में जो हम पोषण लेते हैं पोषक तत्वों को, जैसे कि वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, सब जब पोषक तत्वों के रूप में लेते हैं तो वही हमारा क्या रहता है, पूरा हो जाता है पोषण, एक हो जाता है पूरा पोषण। इसके बाद हम इसको दो, इसकी दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। ये दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं, कौन सी? पहला है आपका क्या है, ये पहला हो गया आपका सुपोषण, सुपोषण, और दूसरा हो गया फर्स्ट और सेकेंड ले लीजिए कुपोषण। अब सुपोषण कुपोषण क्या है? देखिए, जैसा कि आपको हेडिंग से स्पष्ट हो जा रहा है कि सुपोषण मतलब सभी प्रकार का पोषक तत्व जो हमने लिया, ये सुपोषण हो जाएगा। जो हम सभी प्रकार के पोषक तत्वों को सम्मिलित करते हैं अपने आहार में, अपने भोजन में, वो क्या हो जाता है, सुपोषण होता है। जैसा आपको यहाँ दिख रहा है कि कुपोषण मतलब कोई पोषण नहीं लिया उसको हम कुपोषण कह सकते हैं। आप एकदम इजली, मतलब बहुत एकदम सरल तरीके से सीखिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें जब दिया है कि सुपोषण मतलब सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हो उसको हम सुपोषण कहते हैं, और इसमें को दिया है कुपोषण तो मतलब इसमें कोई प्रकार का पोषक तत्व नहीं सम्मिलित है, ऐसा कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि इसमें कु मतलब कोई नहीं, कोई इसमें पोषण नहीं, तो कुपोषण हो गया। अब इसलिए आपको ये सुपोषण है क्या, अब इसके बारे में, कुपोषण के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। अब मैं आपको सुपोषण के बारे में जा रही हूँ कि सुपोषण, देखिए जैसे पोषण का दो स्थितियाँ होंगी, सुपोषण और कुपोषण। और सुपोषण, सुपोषण की परिभाषा, सुपोषण की भी परिभाषा बता रही हूँ, सुपोषण की परिभाषा, सुपोषण की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसको इंग्लिश में आप WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। या देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आप किस प्रकार का पोषण, सुपोषण की परिभाषा है, जैसे उत्तम स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं, उत्तम स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि यह पूर्ण रूप से शारीरिक, सामाजिक, मानसिक रूप से उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। इसको हम नोट करा दें, या वैसे ही आप नोट कर सकती हैं कि उत्तम स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है, ये इसकी परिभाषा है। और इसके बारे में हम आपको, जैसे आप सुपोषण किस प्रकार आप देख सकती हैं, आपको किस प्रकार पता चलेगा कि व्यक्ति सुपोषित है कि नहीं है, उसकी एक लक्षण होता है,
उसको आप देख के महसूस कर सकते हैं कि सुपोषित है कि कुपोषित है। जैसे आपका मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसमें सुपोषण, सुपोषण में पहला है जैसे कि आपका पहला है शरीर का सुविकसित होना, शरीर का सुविकसित होना, सुविकसित होना। शरीर का सुविकसित होना मतलब अगर हमारा शरीर सुपोषित है, हम अच्छा भोजन लिए, अच्छा आहार लिए हैं, हमारे भोजन में पूरा पौष्टिक तत्व है, तो हमारा शरीर क्या करेगा, विकास करेगा, शारीरिक और मानसिक और तरह से एकदम हम एकदम बकायदे एकदम क्रियाशील रहेंगे। ये हमारे शरीर में सुपोषण के लक्षण है। दूसरा आ जाइए, आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आपका कांतिमान त्वचा, दूसरा क्या है कांतिमान त्वचा, कांतिमान त्वचा। अब इससे एक कांतिमान त्वचा हमें सुपोषण से कैसे प्राप्त हो जाए, जैसे अब आपको जैसे आपको देखने से किसी व्यक्ति को पता चल जाएगा कि हर पौष्टिक तत्वों से इसके अंदर कोई चीज की कमी नहीं है, उसके चेहरे पे लाइट होगी, उसकी त्वचा साफ होगी, तो इसी पर आपको पता चल जाएगा कि क्या है हमारा ये सुपोषित व्यक्ति है, इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए सुपोषण जैसे हम अपने आहार में कोई चीज एकदम विटामिन प्रोटीन वसा से एकदम पूरा भोजन भरपूर ले रहे हैं, तो हमारे शरीर की जो त्वचा रहेगी एकदम बकायदे साफ सुथरी रहेगी, और एक लाइट जैसे आपको कहते हैं ना चेहरे पे एक चमक होती है, उसी प्रकार के हमारे शरीर में एक चमक और तेज रहेगा। अगला आइए नेक्स्ट आपका तीसरा मैं बताने जा रही हूँ, तीसरा है आपका क्या है चमकीले बाल। देखिए सुपोषण का हमारे बालों पर भी असर पड़ता है, चमकीले बाल पोषण का हमारे बालों को बहुत प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगला ये आपका नेक्स्ट बताने जा रही हूँ कि शरीर को आसानी से गति प्रदान करता है। अब जैसे कि हम पोषण, अगर हमारे अंदर पोषण है, हम सुपोषित हैं, तो हमारे अंदर क्या रहेगा, अगर हम कोई कार्य करेंगे, कोई भी कार्य बहुत जल्दी करेंगे और जल्दी भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि हमें थकान भी नहीं महसूस होगा, और हम कोई क्रिया करने के लिए बहुत उत्तेजित हो जाएंगे। ये नहीं कि हम थोड़ी देर करके काम फिर थोड़ी देर बैठ जाए, हमारे अंदर थकान की कोई मतलब ये लगेगा ही नहीं कि हम कोई कार्य करके अभी उठे हैं, हमारे चेहरे पे वही लाइट रहेगी, हमारे कार्य में वही तेजी रहेगी, और हम फिर करने के लिए परिश्रम करने के लिए ऑटोमेटिक तैयार रहते हैं। ये चारों अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, मैं अगला पॉइंट लिखने जा रही हूँ। आज मैं आपको सुपोषण के बारे में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुपोषण के बारे में बताऊंगी। अगला हो गया आपका क्या गया, शरीर के सभी अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं। अगला है आपका नेक्स्ट, ये अगला है आपका कि शरीर उत्साहित हो
उत्साहित एवं कार्य क्षमता अधिक हो। अगला आपका है कि हमारे जो शरीर में एक सुपोषण से ये पता हमारा लक्षण ये होता है कि जैसे कि हम अगर हमारी आयु लंबाई भार या कोई भी चीज देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सही समय में सही पोषण पाया है। नेक्स्ट आप यही लीजिए कि आपके शरीर का भार और लंबाई शरीर का भार और लंबाई आयु के अनुसार हो। ये भी हमारे पोषण का ही भाग है। हमारे सुपोषण का ही एक लक्षण दिखाई देता है कि हम जब सुपोषण हमारे पोषण युक्त हमारा जब आहार होता है तो भी लक्षण दिखाई देता है कि शरीर के भार और लंबाई आयु के अनुसार होता है। क्योंकि जिस प्रकार हम बच्चों को पोषण देते हैं उसी प्रकार उसका क्या था ग्रोथ बढ़ता है, उसकी लंबाई बढ़ती है और उसका वजन भी बढ़ता है। हाई मीन्स वजन भी उसका बढ़ता है। आगे अगला ले लीजिए आपका ये अगला पॉइंट है कि क्या है आपका अठवा पॉइंट है कि सुगठित शरीर जो मोटापे से ग्रसित न हो। सुगठित शरीर जो मोटापे से ग्रसित न हो।